मुख्तार मैंने कहा था मेरे परिवार का हीरा था। ये सुनो, चुनौती दे के कह रहा हूँ, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा, हिम्मत है तो बोले कि सरकार की गोद में बैठा हुआ है बृजेश सिंह, आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पर। अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। मुख्तार कहिए, आप कहिए कि हमने मार दिया, है हिम्मत तो कहिए, आप कहिए कि हमने मरवा दिया। देखिए ये संभल नहीं है। कुछ मीडिया के लोग बड़े गरज गरज के कह रहे हैं, ये देखो माफियाओं के नाम पर वोट मांगे। अरे हम तो खुदे माफिया आप लोग डिक्लेयर किए हैं, हमारी की यहाँ आप है, इतना लेके कैसे चले आए? हमारे बगैर आपका काम कहाँ चल रहा? आप हमको माफिया भी कहते हैं और हमको हम बुलाने का है क्या आपको? ये कौन सी बात है? मुख्तार मैंने कहा था मेरे परिवार का हीरा था, और आज भी कहता हूं कि वो नहीं रहा, फिर भी वो हीरो है। और जितना चाहिए सुनो, चुनौती दे के कह रहा हूं, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा, हिम्मत है तो बोले, हिम्मत है तो बोले। और 4 तारीख को आपसे पूछूंगा कि देखो उसका परिणाम क्या हुआ, देखो उसका परिणाम क्या हुआ। 10% वो लोग नहीं हैं जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा कि सरकार की गोद में बैठा हुआ है बृजेश सिंह। आप सवाल कर सकते हो, आपसे कोई तो पूछ नहीं सकता कि दाऊद इब्राहिम कौन है। आप बता सकते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम सुने कभी? दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज कौन है? तो रोज दूध पी रहा, उसको बचाने के लिए पूरी मशीनरी और सरकार लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फर्जी मुकदमा 20-22 साल बाद लिखा जा रहा, चार्जशीट फाइल करके गवाहों को जेल में डाला जा रहा, फैसला करने जा रही 4 तारीख को जनता, 4 तारीख को जनता फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पर। अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। वो 10% भक्तों का वोट लेकर के नाचे, आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फंसाया गया था कि हमने समझौता कर लिया राजभर जी से, हमने समझौता कर लिया निषाद जी से, हमने समझौता कर लिया पटेल जी से, हमने समझौता कर लिया, मंत्री बना दिया चौहान जी को, जमात नहीं रह जाएगी आपके साथ। समझौता करके मंत्री पद जिसको दे दिया गया हो, उनकी जमात इस सवाल पर बटी हुई है। हर समाज, हर वर्ग, और गाजीपुर में अभी आप पूछेंगे मुख्तार को के नाम पे वोट मांगा जा रहा, अरे बाप रे बाप, हद्दे हो गया। मुख्तार कहिए, आप कहिए कि हमने मार दिया, है हिम्मत तो कहिए, आप कहिए कि हमने मरवा दिया, जिसको कहना है कहे, हिम्मत है तो जनता के बीच में कहे कि हमने मरवाया है खड़यंत करके। कह तो नहीं सकते, लेकिन श्रेय लेंगे, बिना कहे श्रेय लेंगे। कैसे हो सकता है दोनों चीजें? एहसास नहीं हुआ है उस दिन, तो एहसास होगा 4 तारीख को कि वोट क्या निकल रहा और कैसे निकल रहा और कितना निकल रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे थे ना, चंदौली साहब, गिन लीजिए, बलिया साहब, खत्म कहानी, घोसी साहब, आजमगढ़ लालगंज दोनों साहब, जौनपुर साहब, गाजीपुर साहब, भदोही साहब, आइए, मछली शहर लड़ रहे हैं अभी, सलेमपुर अभी लड़ाई चल रही है, और बनारस में लड़ाई, बाकी पूर्वांचल में सफाया।